सो फाइनली फ्री फायर अनबैन होने वाला है और ये तो आपको पता चल गया होगा कि क्योंकि सभी फ्री फायर के यूट्यूबर्स इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं और उसमें बेसिकली एक चीज सबसे ज्यादा मेंशन किया जा रहा है जो कि है ये वाला ट्वीट जिसमें गरीना और उत्तर प्रदेश कोलैब कर रहे हैं ई स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। और लगभग सभी यूट्यूबर्स ने आपको बता दिया है कि फ्री फायर अनबैन होने वाला है, लेकिन फ्री फायर अनबैन किस डेट को होगा दैट इज मेन पॉइंट। यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसका डेट कि कब फ्री फायर अनबैन हो जाएगा या फिर हो सकता है। जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले ये वाला ट्वीट देखो, ये ट्वीट 28 जुलाई को आया था उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स की तरफ से। तो यहाँ पर लिखा है द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड गरीना ए लीडिंग ग्लोबल गेम्स कंपनी साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU टूडे एज पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू पोजिशन उत्तर प्रदेश ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ ई स्पोर्ट बाई यूजिंग योटा लोकल डेटा सेंटर। तो इसका मतलब क्या है, चलो मैं आपको साधारण भाषा में बता देता हूँ। इसका मतलब है गरीना का टीम और उत्तर प्रदेश के CM यानी कि योगी आदित्यनाथ एंड माननीय खेल मंत्री के साथ एक मीटिंग हुआ है जिसमें MOU साइन किया गया है। ठीक है, MOU मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड इसमें मतलब जो भी होता है इनके बीच में जो भी समझौता होता है उसके लिए ये जो है साइन, सहमति के लिए साइन किया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो है वो साइन हुआ है एंड उसमें जो है क्या क्या चीज़ें होते हैं, मतलब क्या क्या कैसे ई स्पोर्ट को आगे बढ़ाना है वो सब चीज़ें जो है वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है एंड दोनों का समझौता है होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश और गरीना का टीम का, एंड उसको जो है साइन किया जाता है, उसको बोला जाता है MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारे इमेजेस डाले गए हैं ट्विटर पर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गरीना और उत्तर प्रदेश के जो CM है योगी आदित्यनाथ और माननीय खेल मंत्री वो सभी का यहाँ पर जो है इमेज वगैरह डाला गया है, और गाइस इंटरव्यू एक डाला गया था जो कि आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है गाइस उत्तर प्रदेश की तरफ से गरीना को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, यानी कि ई स्पोर्ट शुरू कर सकते हैं गरीना वाले उत्तर प्रदेश में। और गाइस आप लोगों को पता ही होगा फ्री फायर प्ले स्टोर से क्यों रिमूव हुआ था, क्योंकि इंडिया का कहना था कि फ्री फायर जो है डेटा शेयर कर रहा है चाइना वालों के साथ, यानी कि उनको भेज रहा है या फिर जो है प्राइवेसी लीक हो रहा है, इसी वजह से इसको जो है प्ले स्टोर से हटाया गया था। लेकिन अब गरीना ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में योटा लोकल डेटा सेंटर बना दिया है, यानी कि गाइस जो भी हमारा पहले फ्री फायर हम खेलते थे वो सिंगापुर में डेटा हमारा सेव रहता था। ठीक है, मतलब हमारा ID हो गया या फिर जो भी चीज़ें हैं फ्री फायर से रिलेटेड सारा कुछ वहाँ पर हमारा डेटा जाता था सिंगापुर में, लेकिन अब जो है गाइस यहाँ पर रहने वाला है यानी कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में सारा हमारा डेटा सेव होने वाला, यानी कि अब हमारा डेटा लीक नहीं होने वाला है, इंडिया में ही रहेगा, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब है जिस रीजन से गरीना फ्री फायर को प्ले स्टोर से रिमूव किया गया था बाय द गवर्नमेंट, उसी रीजन को फ्री फायर वालों ने यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश किया है, मतलब लगभग सॉल्व कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट का यही रीजन था फ्री फायर को प्ले स्टोर से रिमूव करना कि डाटा लीक हुआ करता था, मतलब डाटा जो है चाइना वालों के पास चला जाता और डाटा जो है हमारा मिसयूज करता था चाइना वाले। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ कहना था गवर्नमेंट का, तो इसीलिए जो है डेटा सिक्योर हो चुका है, अब हमारा इंडिया में ही डेटा रहने वाला है, जो भी हम फ्री फायर गेम खेलेंगे जो ID वगैरह क्रिएट करेंगे तो सारा डेटा हमारा जो है इंडिया में ही रहने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी कि नोएडा में, उत्तर प्रदेश के नोएडा सेंटर में रहेगा, मतलब योटा डेटा सेंटर में ही वहाँ पर एक जो है न्यू सेंटर बनाया गया है वहीं पर रहेगा, जहाँ वहीं पर रहेगा मतलब इंडिया में ही रहेगा बेसिकली डेटा, तो प्राइवेसी या फिर डेटा लीक होने का कोई भी चांसेस नहीं। अब गाइज आप लोग सोचो गरीना फ्री फायर वाले इतना कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गाइज उनको कहीं ना कहीं ई स्पोर्ट फिर से चलाना है, क्योंकि गाइज आप पहले अगर ई स्पोर्ट देखा करते होंगे टूर्नामेंट तो बहुत ज़्यादा वॉचिंग आता था एंड इससे गरीना को भाई बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था। ठीक है, तो ई स्पोर्ट फिर से वापस शुरू करने के लिए, इसीलिए ना भाई मैंने आपको ये आर्टिकल के मतलब पढ़ के बताया कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली ई स्पोर्ट को बढ़ाया मतलब जा रहा है, ठीक है, मतलब ई स्पोर्ट को बढ़ावा दे रहा है, मतलब ई स्पोर्ट टूर्नामेंट फिर से स्टार्ट होने वाला है। अब गाइस देखो कोई भी ई स्पोर्ट टूर्नामेंट स्टार्ट होगा, मान लो फ्री फायर गेम का ही ई स्पोर्ट टूर्नामेंट स्टार्ट करने वाला है, अब वही गेम जो है प्ले स्टोर में नहीं रहेगा, उसका मेन गेम जो मेन गेम है वो पर गरीना फ्री फायर है, सेकेंडरी इसका है फ्री फायर मैक्स, तो यार मेन गेम जो है गरीना फ्री फायर ही नहीं रहेगा, तो इन लोग ई स्पोर्ट चलाएंगे, इस वजह से गाइस फ्री फायर का आने का बहुत ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि अनबैन होने का बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि फ्री फायर अनबैन होने वाला है, लेकिन इसका डेट क्या है, जो मेन मुद्दा है, मतलब इस किस डेट को ये प्ले स्टोर में आएगा, आपका यही सवाल होगा। ठीक है, आई थिंक से गाइस मुझे लग रहा है अगस्त के एंड वीक में आ सकता है, मतलब अगस्त के लास्ट वीक में आ सकता है, मतलब देखने को हमें मिल सकता है प्ले स्टोर में नॉर्मल फ्री फायर। ओके, तो याद रखना अगस्त के लास्ट वीक में बहुत ज्यादा इसका चांसेस बढ़ रहे। बाकी गाइस अगर मैं कन्फर्म मैं आपको बताऊं तो जो है 2023 तक जो है
2023 मतलब दिसंबर तक एंड तक आ ही जाए।